बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं दही भल्ले। तो उसके लिए हमने लिया था उड़द की दाल, जिसको भिगो दिया 4 घंटे पहले, और इसको हमने बारीक पीस लिया है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। मीठे दही वड़े बना रहे हैं, इसको दही भल्ले के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसको खूब फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद फेंटेंगे, फिर आपको तल के ये दिखाएंगे। ये देखिए, हमने 2 जगह पे दही लिया है वड़े के लिए। तो ये दही को हम खूब अच्छे से बीट कर लेंगे, और इसमें ज़रा सा नमक मिलाएंगे, और पानी डाल के इसे छाछ की तरह बना लेंगे पतला। इसमें 1 पिंच के हिसाब से हम नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही नमक है डालेंगे, और अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। इसमें अब हम इस पानी ऐड कर देंगे और इसे छाछ के जैसा बना लेंगे। इस छाछ में हम मिला देंगे कुटा हुआ जीरा, भुना कुटा हुआ जीरा है हमारे पास, और अच्छे से इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। इधर हमने जो दही लिया है, इसमें हमें मिक्स करना है शक्कर, 1 चम्मच शक्कर इसमें ऐड कर देंगे। आप जिस हिसाब से मीठा पसंद करते हैं वैसा डाल दें, थोड़ा और हम डालेंगे। इसको भी हम मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, दाल जो हमने पीस कर रखी थी ये भी हमारी फूल गई है अच्छे से। इसको अब हम और बीट कर लेंगे, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें वड़े डालेंगे। इस तरह से हम वड़े डाल देंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने इन्हें इतना फेंटा था तो ये खूब अच्छे से फूल रहे हैं। इसी तरह फूले फूले ये रहने चाहिए तो अच्छे बनेंगे। ये देखिए, हमने इन्हें पलट दिया है, कितने फूले फूले क्रिस्पी ये हो जाएंगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे, कितने ये फूल रहे हैं। ये देखिए, इसको हमने निकाल लिया है। अब निकालने के बाद जो हमने ये छाछ बना के रखी थी, इसमें हम इसे डाल देंगे। हमें पानी में नहीं ऐड करना है, इसी छाछ में ऐड करना है। ये इसको सोख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे डाल के ढक के रख देंगे। ये सारा जो छाछ है ये पी लेंगे, पूरे सोख लेंगे अपने अंदर। फिर उसके बाद इसको हम मीठी चटनी और दही वगैरह से सारा आपको बना के बताएंगे। ये देखिए, खूब अच्छे से वड़ों ने दही को सोख कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट अच्छा हो गया। इन्हें हमने पलट दिया था, आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है, और अच्छे से जो छाछ हमारी थी वो बिल्कुल इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम इस पर ये जो दही में शक्कर डाल के हमने रखा था, इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा दही सब तरफ, पूरी तरफ डाल देंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा मीठा दही डाल के इसके उलट पलट कर दिया है। अब जो बची दही है उसको भी इस पर ऐड कर देंगे। अब हम इस पर खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास बनी रखी हुई थी। आप जितना खट्टा और मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से इसे डाल लें। इस पर पिसी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट इससे आ जाता है, खट्टा मीठा और तेज़ भी रहता है। भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर, जो भून के कूट के रखते हैं धनिया, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, कितनी सॉफ्ट, बहुत अच्छी दही भल्ले, दही बड़े मीठे बनके तैयार हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, और खाने में भी मीठे और खट्टे और तीखे सभी तरह से ये हैं। आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, और दुआओं में याद रखें।